हेलो फ्रेंड, किचन तड़का में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम किचन तड़का में दो आलूओं से ढेर सारे पापड़ बनाने जा रहे हैं, वो भी इतने आसान तरीके से कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहाँ ढेर सारे पापड़ बनाकर रख लिए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। पापड़ को बनाने के लिए मैंने एक कप ये साबूदाना लिया है, ये मोटा वाला साबूदाना है। इसे एक मिक्सिंग बोल में लेकर अच्छी तरीके से हम दो तीन बार पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें से सारा स्टार्च और धूल निकल जाए। खूब अच्छे से इसे रगड़ रगड़ कर हम धो लेंगे। और ये देखिए, मैंने दो तीन बार अपने साबूदाना को अच्छे से धो लिया है। अब इसमें आधा गिलास पानी डालकर हम ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख देंगे। ओवरनाइट के बाद देखिए ये कितने अच्छे से फूल कर तैयार हो गया है। एक एक दाना बिल्कुल आराम से हाथ से पिस रहा है। अब हम इसे मिक्सी के जार में ले लेंगे। फ्रेंड्स, ये पापड़ आप व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। बस पापड़ बनाते समय इसमें सेंधा नमक का यूज़ कर लीजिएगा। और सारे साबूदानों को मिक्सी के जार में ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम बिल्कुल महीन पीस लेंगे। इसमें कोई भी टुकड़ा या लम्स नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, मैंने बिल्कुल महीन पीस लिया है। अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे या फिर जिसमें आप पापड़ बना रहे हैं उसी बर्तन में इसे निकाल लीजिए। और ये देखिए, मैंने अपने सारे साबूदाना को एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। अब इधर मैंने ये दो आलू लिए हैं जिन्हें मैंने पील कर लिया है। अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। दोनों आलूओं के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। और अब हम इन आलूओं को भी अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो लेंगे ताकि इसमें से स्टार्च निकल जाए। दो तीन बार मैंने अपने आलूओं को अच्छे से धो लिया है और पानी देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब मैंने जिस बोल कप से नाप कर साबूदाना लिया था उसी कप से नाप कर हम आलू ले लेंगे। बस एक आध आलू के टुकड़े ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने उसी मिक्सिंग जार में अपने आलूओं को भी डाल दिया है। और इसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर हम बिल्कुल महीन पीस लेंगे। और ये देखिए, मैंने आलू को बिल्कुल महीन पीस लिया है। फ्रेंड्स, आलूओं का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। और नाप कर मैंने एक कप ही आलू का पानी ले लिया है और इसे भी अच्छी तरीके से साबूदाने में मिक्स कर देंगे। आप जब इसे बनाएंगे तो ये इसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। ये आलू है तो थोड़ा सा रंग इसका फीका काला पड़ ही जाता है। और अच्छी तरीके से साबूदाने में आलू को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं नाप कर 4 से 5 कप पानी डाल दूंगी। मैंने इसमें 4 कप पानी डाल दिया है। अब अगर हमें बाद में गाढ़ा लगेगा तो हम फिर से इसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे और पानी के साथ अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसे गैस पर रख देंगे और लो टू मीडियम गैस फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। फ्रेंड्स, इस समय हमें अपने मिक्सर को लगातार चलाना है, इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बस 2 से 3 मिनट में ये मिक्सर बनकर तैयार हो जाएगा। और अब इसे स्पैचुला की हेल्प से हम अच्छे से चलाते रहेंगे। आप चाहें तो बिस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। और ये देखिए, धीरे धीरे मिक्सर हमारा गाढ़ा होने लगा है।
देखिए जैसे जैसे हमारा मिक्सर गाढ़ा होता जा रहा है, इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। जब तक हमारा मिक्सर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता हमें इसे तब तक पकाना है। इसमें मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है इसलिए मैं 1 कप पानी डाल दूँगी और फिर देखते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा पानी और डाल देंगे और इसे भी अच्छे से इसमें मिला देंगे। फ्रेंड्स आपको जितना पानी डालना है इसमें अभी ही डाल लीजिए, बाद में बनने के बाद इसमें पानी नहीं पड़ेगा। और मैंने इसमें 1/2 कप पानी और डाल दिया है, टोटल मैंने इसमें 6.5 कप पानी डाल दिया है और अच्छी तरीके से इसे बिस्कर से चलाते हुए ये देखिए मिक्सर कितना गाढ़ा होने लगा है और धीरे धीरे करके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। अब इसे एक चमचे की हेल्प से हम चलाते रहेंगे, अब इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। बस शुरुआत में थोड़ा सा बिस्कर का यूज़ कर लीजिए तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। इसमें मैंने 1/2 चम्मच सेंधा नमक डाल दिया है क्योंकि मैं आज ये पापड़ व्रत के लिए बना रही हूँ। और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फ्रेंड्स नमक पापड़ में थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि सूखने के बाद इसमें नमक बहुत तेज़ हो जाता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि कम से कम नमक डालें। और इसमें मैंने 1/2 चम्मच ये कुटी हुई मिर्च ली है, ये इसमें डाल देंगे। अगर आप मिर्च नहीं खाते हैं तो इसे पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं और मिर्च को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। मिर्च से पापड़ देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं इसलिए कुटी हुई मिर्च का ही यूज़ कीजिएगा। और ये देखिए मिक्सर कितना ट्रांसपेरेंट सा होने लगा है और खूब गाढ़ा हो गया है। मात्र 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। इसमें सबसे बाद में हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और हरा धनिया डालने के बाद बस हमें 2 मिनट और पकाना है। हरा धनिया इसमें थोड़ा बाद में ही डालिएगा वरना फिर धनिया का कलर इसमें चेंज हो जाता है। और ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट मिक्सचर होने लगा है। मैं आपको चमचे से दिखाती हूँ कितना गाढ़ा हो गया है। बस 2 मिनट और हम इसे गैस पर रखेंगे और ये अच्छी तरीके से गाढ़ा होने लगा है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और अपने मिक्सर को एक दूसरे बोल में निकाल लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा बर्तन है। आप थोड़ा धीरे धीरे करके थोड़े एक दूसरे बोल में ट्रांसफर करके जल्दी जल्दी पापड़ बना सकते हैं। इधर मैंने धूप में एक पन्नी बिछा दी है। फ्रेंड्स हमें ये पापड़ धूप पन्नी पे बहुत अच्छे बनते हैं। वैसे आप चाहें तो किसी चादर या उस पर भी बना सकते हैं। उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम पन्नी पर अच्छे से फैला देंगे और अब चमचे से एक एक पापड़ को एक एक चमचा मटेरियल डालकर हम फैलाते जाएंगे। और ये देखिए हमारे कितने सारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। मात्र 2 मिनट में आपके फटाफट पापड़ बनकर तैयार हो जाएंगे। 100 से ऊपर पापड़ बनकर हमारे तैयार हो जाएंगे। केवल 1 कप साबूदाना और 2 आलूओं से हमारे ढेर सारे पापड़ बन जाएंगे। इन्हें 2 दिन की धूप सिखाने के बाद देखिए पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल करारे पापड़ हो गए हैं। मैं आपको एक पापड़ भूनकर दिखाती हूँ। इधर मैंने गैस पर ऑयल गरम होने रख दिया था, अब इसमें अपने पापड़ डाल देंगे और ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले पापड़ हमारे भुनकर तैयार हो रहे हैं। फ्रेंड्स खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आप व्रत में हों या वैसे हों कितनी भी समय इन्हें भूनकर खा सकते हैं। शाम के नाश्ते में इन्हें भूनिए, ये बहुत टेस्टी लगते हैं और एकदम अच्छे से करारे हो गए हैं। केवल 2 दिन की अच्छी सी धूप दिखा दीजिए तो पापड़ आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।